नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे मिश्री मावा, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है ये, राजस्थान की फेमस है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बहुत सारी जानकारी है जो आज आपको मैं बताऊँगा। ये 80 ग्राम चीनी है और 2 चम्मच कटिंग के पिस्ते और आधा चम्मच पिसी हुई इलायची और ये 2 लीटर दूध है, फुल क्रीम मैंने लिया है। इसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया, आपको फुल क्रीम दूध ही लेना है, बढ़िया ताज़ा फ्रेश दूध लेना है और गैस को फुल फ्लेम पे ऑन कर देना है। सबसे पहले पहली बात तो ये है कि गैस हमें एंड तक फुल फ्लेम पे रखना है, यानी कि तेज़ आँच पे रखना है और इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है, हमें दानेदार मावा बनाना है। 2 बात मैंने बता दी कि गैस को फुल आंच पे रखना है और कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है और दानेदार मावा बनाना है हमें। बिल्कुल भी गैस को छोड़ना नहीं है कि गैस को कम कर दिया और दूसरे काम में लग गए तो दूध पीला पड़ जाएगा, मावा चीठा हो जाएगा, दानेदार मावा नहीं बनेगा। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, बहुत स्वादिष्ट बनता है ये मिश्री मावा। राजस्थान में तो आपको हर शादी पार्टी में ये खाने को मिल जाता है, बहुत फेमस है यहाँ पे ये। तो चलिए हम बनाते हैं। दूध को मैं कंटिन्यू हिला रहा हूँ, देखिए कितना कम हो गया है ये। इसी तरीके से कंटिन्यू हिलाते रहना है आपको और दानेदार मावा बना लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के आप इसे बनाना शुरू करें। कुछ लोग हैं मिश्री मावा बनाते हैं तो उसमें टाटरी डालते हैं, नींबू डालते हैं, उसको फाड़ के वैसे क्या पता कैसे बनाते हैं, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं डालेंगे, ना नींबू डालेंगे, ना टाटरी डालेंगे, ना दही का पानी डालेंगे, फिर भी हम मिश्री मावा बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी। तो चलिए देखिए दूध कितना कम हो चुका है, दूध गाढ़ा हो चुका है, गैस हमारा फुल आँच पे है, अभी भी फुल आँच पे चल रहा है ये। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए और इसे देख के पूरी तरीके से देख के फिर बनाना शुरू करें। दूध गाढ़ा हो चुका है और ये देखिए, अब इतना गाढ़ा जब दूध हो जाए तो आपको गैस को कम कर लेना है और 2 मिनट तक इसे इसी तरीके से हिलाते रहना है। 2 मिनट तक इसे हिलाते रहना, देखिए दाना दाना दिख रहा होगा आपको, ये दानेदार मावा बन गया है इस दूध का, ये देखिए दाने दाने दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से दानेदार मावा बनाना है हमें कंटिन्यू हिलाते हुए। तो इस तरीके से अब हमारा गैस बिल्कुल कम है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, मावा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, देखिए बिल्कुल गाढ़ा है ये। करीब 2 किलो दूध में आधा किलो या 450 ग्राम मावा बैठता है अच्छे दूध का, ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है ये। अब ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, 2 मिनट में इसी तरीके से इसे हिलाते रहा तो दाने दाने पड़ गए इसके अंदर। और अब जो है मैं इसके अंदर, हमारे पास जो चीनी थी 80 ग्राम वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और थोड़े से पिस्ते और थोड़े से रख लिए डेकोरेशन के लिए। तो अब इसको देखिए, गैस कम है, बिल्कुल धीमी आंच पे है और इसे धीरे धीरे हिलाना है आपको, धीरे धीरे इस तरीके से चीनी को धीरे धीरे हिलाना है। ये चीनी अपने आप इसके अंदर और भी दाना पैदा कर देगी, दाने पड़ जाएंगे इसके अंदर इस तरीके से, इस तरीके से हम हिलाएंगे ना इसको 1 मिनट के लिए। धीरे धीरे गैस धीमी आंच पे रखना है। अब मैंने इसे 1 मिनट हिला लिया इस तरीके से, तो अब चीनी पानी छोड़ देगी, गैस को बंद कर देना है। गैस को चलिए हमने बंद कर दिया है अब, और इस तरीके से हिला के अब इसे हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे व्रत में भी खा सकते हो क्योंकि बिल्कुल शुद्ध है। और मैं तो कहता हूँ कि त्यौहार पे दीपावली आ रही है तो त्यौहार पे आप घर पे ही मावे की मिठाई बनाए तो बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में दिखेगा बेल आइकन का बटन, उसे भी दबा दीजिए। पर प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप अगर लाइक करते हो ना तो बहुत खुशी होती है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो। तो चलिए मैंने थोड़े से पिस्ते जो हमारे पास थे वो डाल दिए हैं और कुटी हुई इलायची थी हमारे पास आधा चम्मच छोटी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। देखिए कितना शानदार मिश्री मावा लग रहा है ये, आप देखिए क्या दाने पड़े हैं, कितना शानदार लग रहा है। तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, वैसे गर्म ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। 2-3 दिन तक, आप 3-4-5 दिन तक इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जितना चाहो आप गर्म कर लेना और खा लेना। गर्म करने का तरीका है, पानी गर्म कीजिए उस और मिश्री मावा कटोरी में डालिए और फिर पानी के अंदर रख दीजिए।
तो चलिए बनाते रहिए, खाते रहिए और बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से